मैडम जी भी निकल के आई। एक घंटा तक तू क्या करती हो बाथरूम में पहले बताओ? पॉटी भी करते हो ना तुम्हें? आधा घंटा तो ओ भाई साहब, तगड़ा भीड़ भाई बच्चे लोगों का। पापा रेडी? तो तुम्हें इतना तैयार होने का क्या था? शादी तो सूरज भाई का होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ मेरे भैया का हल्दी पे, और मेरे भाई का एक दो बार शादी कैंसिल हो गया। कम से कम 25-26 लड़की उसने मतलब पागलों जैसा खोजा, लास्ट में एक बंदी मिली जिसके साथ आज उसका मतलब थोड़ा रिश्ता वगैरह फिक्स होगा। हल्दी वल्दी होते हैं हमारे इस पे। तो अभी देख लो, सबीना वहाँ पर काम कर रही है अभी अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करके, और यहाँ इनामुल बोलते हैं बैठ बैठ के खाता है, घर पे काम धंधा नहीं है इसका। और ये लैंग्वेज सबीना ने बोला है। ए का रे लड़का, बाबा अरे भाई, इतना बड़ा बात अगर मुझे कोई बोलता ना, अभी तक तो जान देते थे कूद के बाबा, समझ रहे। तो ब्यूटी अभी वॉशरूम गई है, तो निकलने थोड़ा टाइम लग रहा है। पता नहीं क्या करती रहती है भाई, आधा आधा घंटा घुस जाती है। देखो भाई, मैंने अपना सेटअप रेडी कर लिया, ये अपना हेलमेट और जैकेट, ये पहन के जाऊंगा मैं आज, और लगेज में बस ये वाला उठाया हूँ मैं। ये लड़की इतना लेट कर दिया ना हर चीज पे, वो देखो अंदर पे ही बैठी हुई है। ब्यूटी है, 2 बज गया बाबू, अंधेरा हो जाएगा जाते जाते। तो मैडम जी भी निकल के आई। एक घंटा तक तू क्या करती हो बाथरूम में पहले बताओ? पॉटी भी करते हो ना तुम्हें? आधा घंटा तो उतने में लगा होगा। ये क्या था, ठंडा लग रहा है क्या? बाहर तो आने दो। आज तुमने नहा कैसे लिया? मैं डेली नहाती हूं। अरे बाबा, ये भाई मैं नहाती हूं अरबाज मलिक, एक हफ्ते बाद नहाती हूं। ओ हो हो हो, ये सब बेच खाई है। ये लोग सामने से हमें जानते हैं, उन सबको पता होगा कि अरबाज मलिक, ये दौड़ दे भाई मलिक, एक हफ्ते बाद मेरे भी हो गया। समझ रहे, मतलब गंदा चीज को पसंद करने का इसका आदत है। हैं? पता है कैप कैसे लग रहा है? कैप कैसे लग रहा है? सो भाई आ चुके हैं अपने टोरा के पास, इसको कल वाश करवाया हूँ। भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई। सो गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा जल्दबाजी में हूँ तो आराम से निकलूंगा। तो गाइस, ये अपना सोसाइटी से निकलते हुए अभी जाऊंगा मैं अपने भाई के हल्दी पे। मेरे मम्मी पापा लोग सब लोग गए हैं। एक बार साउंड चेक करो, अभी जा रहा है गांव पे, तो ये पूरा हल्ला मचाएगा, पब्लिक का भीड़ और भीड़ ही रहने वाला है। तो मैं भी सोच रहा हूँ ना, यहाँ एक नाम लिखाऊँ मेरा और यहाँ अपने यूट्यूब का चैनल का नाम, तो जब मैं ब्लॉग बनाऊँ जैसे कि दिखे आप लोगों को मेरा चैनल का नाम है ना, तो क्यों ना मीटअप रखें एक बच्चे लोग के साथ में। बहुत बच्चे जमा हो जाएंगे भाई, मज़ा आएगा। नया का घर यहाँ पर है डेबरा पे, और मुझे डर लग रहा है गाँव पर ना कुत्ता बहुत ज़्यादा होता है, चला आके कोई घुस ना जाए सामने में। और स्नेहा मैडम अगर ब्लॉग देख रही होगी तो पता ही चलेगा कि तुम्हारा ही घर है इधर। अंधेरा होने ही वाला है और मैं गांव के अंदर हो चुका, मतलब घुस चुका हूँ, तो अभी शाम हो जाएगा तो आपको पूरा व्यू नज़ारा नहीं दिखेगा। तो गाइस, ये है गांव का व्यू, और घुसते साथ में इतना प्यारा से स्मेल आता है ना, वो धान वाला, पता नहीं गाँव का एक अलग ही मिट्टी का खुशबू है भाई। मतलब जब भी आता हूँ ना, बस ये फील करने के बाद तो भाई समझ रहे हो, जाने का दिल ही नहीं करता है। एक टाइम था कि मैं अपना TVS XL सुपर लेके मैं इस जगह पे आया करता था, आज जेड एक्सटर्नल लेके आया हूँ भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज अपने बलबूते पे अपने मेहनत से मैं अपना बाइक खरीद पाया हूँ, सबका प्यार और आप सबका दुआ के वजह से हुआ है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू सो मच गाइस। सुबह हो चुका है और देखो कैसे फैमिली में सब दौड़ा दौड़ी करना रहे। देखो मेरे जीजू भी आए हैं एकदम फुल तैयार के साथ में, और इधर देखो मेरे मम्मी पापा का हालत क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। अरे पापा रेडी? तो तुम्हें इतना तैयार होने का क्या था? शादी तो सूरज भाई का होगा। नहीं नहीं, आप अकेला नहीं, माँ भी अच्छा खासा साज लिया है, ये होता है जलस, समझ रहे हो। एक के बाद एक पावर देखो एक बार,
बोलता क्या आदमी चिल्लाएगा, मैं फट रहा ये नहीं बोल रहे हो, मैं तो चलाया ही नहीं, सेकंड गियर में है सिर्फ। सो गाइस पावर इसका जो है ना, सुबह सुबह मजा आ गया। 2000 years later 3 घंटे के बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, जा रहे हैं अभी सीधा अपने मीटअप पे। सब बच्चे लोग आ गए भाई साहब, चलो निकलते हैं। भाई क्या पब्लिक जमा हुआ भाई, 3 घंटा तक पूरा लग रहा गाड़ी का इतना फोटो उठाया कि इंस्टा पे सिर्फ यही गाड़ी दिखेगा, बाकी का गाड़ी दिखेगा भी नहीं। पूरा गांव से दूर दूर से बच्चे लोग आ रहे हैं। तो भाई यहीं पर भीड़ लग गया है बच्चे लोगों का जाने से पहले ही। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मीटअप का एक्साइटमेंट देखो। भाई साहब इतने बच्चे लोग हैं रे भाई। ओ भाई साहब तगड़ा भीड़ भाई बच्चे लोगों का। ओ भाई साहब भाई आजा। ओ भाई इतना बच्चा आएगा पता नहीं था यार, बहुत बहुत मजा आ रहा है देख एकदम। सलाम वालेकुम भाई बच्चे लोग को। अरे भाई क्या बोले, काफी है भाई बहुत है। आ देख तू कर तू ले। बस 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 भाई आज इतना क्राउड हो बोल के सीरियसली कोई आइडिया नहीं था। और हमारे साथ मेरी दादी आई है देखो कितने महीने के लिए, इतना साल बाद मिले हम लोग हैं। दादी उधर बोलो, उधर कैमरे पे आए बोलो। तो ये हमारी दादी है। तो कितने साल बाद मिले दादी? 5-6 साल बाद हम मिले। और एक बार बच्चे लोग एक बार हाय बोलोगे सब मिलके भाई। आज बहुत ज्यादा क्राउड हुआ है भाई, एक बार देखो पब्लिक, बहुत लोग आए, बहुत बच्चे लोग आए। तो भाई देख लो भाई, इतना लोगों का साथ में नाम तो पूछ नहीं पाऊंगा, इसलिए ये जगह का नाम है खड़े। और यहाँ पर हाँ खड़े ईदगाह। तो ये भाई लोग सब आए हैं आज मीटअप पे, सब खास करके प्यारे भरे बच्चे लोग और मेरे भाई लोग जो भी आए, सबको बहुत बहुत थैंक यू भाई। मैंने सोचा कि आज एक मीटअप रखो, अभी मैं थोड़ा गाड़ी का साउंड चेक कराऊंगा सबके सामने में, ठीक है? और किसे किसे फोटो निकालना है बताओ? अरे भाई साहब आज तो खत्म है फिर। उधर मेरा भाई खड़ा हुआ है देखो सूरज। चलो सबके साथ फोटो निकालते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए मीटअप ख़त्म है, सब भाई लोग से मिल चुके हैं ऑलरेडी, सब बच्चे लोग रोड पे खड़ा हुआ है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि वरना बच्चे लोग थोड़ा रोड पे उठ रहे हैं तो थोड़ा डर लग रहा है मुझे, तो यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई सबको अल्लाह हाफिज़, कोई पीछा मत करना ठीक है, सब यहीं पर रहना क्योंकि रोड हाईवे है वो वाला।
चल भाई टाटा सबको। अरे भाई मत दौड़ यार, ऐसे सब लोग दौड़ेगा तो कैसे होगा। अरे भाई, अरे भाई रोड में गाड़ी खड़ा है भाई। अरे भाई ओ तगड़ा भाई, क्या क्राउड है भाई। आधा खड़े के बच्चे लोग तो यहीं पर आ गए। ठीक है सुनो, आज के लिए इतना ही, रोड में कोई मत भागो नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तुम लोग सब घर जाओ, मैं कल पक्का वापस आऊँगा इसी टाइम पे, ठीक है। चलो भाई बाय बाय गाइस, सबको लव यू सो मच, लव यू टाटा भाई। भाई क्या क्राउड भाई, डर लग रहा है रोड के ऊपर में, सब बच्चे लोग दौड़ रहे हैं ना इतना गंदा तरीके से, तो वहाँ ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लग रहा था, तो मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। बट बहुत मज़ा आया, ये मेरा सेकेंड मीटअप था और मैं खुद अकेला ही था और इतना प्यार दिया बच्चे लोग आके। प्यार मेरा इनके साथ में, लव यू सो मच भाई। और जो जगह में मैं मीटअप किया था वो ये एक्चुअली दीघा साइड गिरता है, खोड़ोई, खोड़ोई करके नाम है, खोड़ोई ईदगाह। तो बहुत मज़ा आया, एक्चुअली गांव है, प्रॉपर गांव है और यहाँ पर मेरा भाई रहता था, तो मैं सोचा क्यों ना आया तो एक छोटा सा मीटअप कर ले। मुझे क्या पता था कि इतना क्राउड हो जाएगा भाई, इतना मतलब इतना क्राउड था, इतना मज़ा आया मुझे भाई साहब, दिल से बहुत प्यार। 2000 years later. So, बस आज का सफर यहीं तक का था, खत्म। दो दिन यहाँ बिता दिए। इधर देखो मेरा बहन छुपा रही है, वीडियो में नहीं आना इसको। वो देखो मेरा जीजा भाई, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं कलकत्ता में, ठीक है। सूरज भाई नेक्स्ट टाइम तेरा शादी में फाइनल शादी में आएंगे, अभी तो थोड़ा अभी सिर्फ टिकट काटना हुआ है ना, मूवी बाकी है। चलो निकलते हैं कलकत्ता को, और ब्यूटी इंतजार कर रही है। बोलछी आज के बोल ठीक है दादा, की करबो बोलो तो, অনেক দেরি হয়ে গেছে দাদা থেকে যেতে বলছে, কী করবো? মিস করছো তাহলে আমাকে, মিস করছো কি না সেটা বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, আস রাখো রাখো আসছি। দাদা ফোন করছে গাঁও সে, আর আমি গাঁও পেই হুম অ্যাকচুয়ালি ঘর সে নিকল চুকা হুম গাঁওকে যা পর মতলব থা মে দু দিন সে गाइस यहाँ पर ना तगड़ा रिएक्शन मिल रहा है, मैंने काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि रिकॉर्ड ना करूँ, बट सच में बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। गाय बछरू गोरू भैंस सब रुक जा रहा है रोड पे साउंड सुन के, एक दो किलोमीटर पहले ऐसा लग रहा है कि उसको साउंड आ रहा था कान पे। पब्लिक रिएक्शन भाई बहुत तगड़ा रिएक्शन है, मज़ा आता है यार गाँव में ये बाइक लेके आने का ना फील अलग है यार। बस यही बात क्या है कि बकरी उकरी आ जाता है रोड के बीच में गाँव पे यार, उसके ऊपर मेरे हाथ के गर्ल्स में पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, किसे रखने दिया था आई डोंट नो, चल के मीटअप पे मेरा गर्ल्स खो गया भाई। इतना भीड़ कैसे हो सकता है भाई, बोले तो कैसे, माँ कसम तो तोड़ थड़ाबा खराबा वाला भीड़ है। वही मिनट लगे अगर सिग्नल ना हो जाने के लिए, बट पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था भाई, दिमाग फाड़ देगा। मैं तो ब्यूटी से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ और बंदी बोली मैं सूट में जा रही हूँ, समझो यार ब्यूटी हमेशा ऐसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बट प्रमोशन का वीडियो मैंने ही तो भेजा था यार, क्या बात कर रहा हूँ मैं भी, ऐसे बड़े बड़े बैनर हमारा कब लगेगा भाई, ऐसा सपना हमारा भी है। गाइस क्या आप लोगों को हमें देखना नहीं है क्या ऐसे बैनर पे? ए देख भाई सिग्नल खुला भी तो उस साइड का सिग्नल खुला। हेलो गाइस चेक द साउंड, भाई साउंड तो अलग ही है इसका, पावर भी अलग है, स्टाइल भी अलग है, तो भाई
फुल पैकेज है, बताओ गाइस कैसा लगता है आपको जेडएक्स चैनल, कमेंट करो भाई अभी अभी कमेंट करो फटाफट। ये देखो ये है अपना जाना पहचाना रोजाना गली जहाँ हम डेली भटकते हैं, और ये है अपना घर की गली अली बली खली बली, और हम फाइनली आ गए हैं अपनी गली ठाकी चिक्की। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ तो तुम मुझे देख के पहचाने नहीं पहले? हाँ नहीं, जब मैं ऐसा देखा ना, मैंने जब देखा तब आपने मुझे देखा। चाबी कहाँ पर है? तो आप कहाँ जा रहे हो उत्तर रात को?